मध्य प्रदेश में छतरपुर के सिटी कोतवाली थाना पुलिस पर गंभीर आरोप लगे हैं। बताया जा रहा है कि नाबालिग लड़की को 2 दिनों तक थाने में रखने महिला पुलिसकर्मियों ने नाबालिग के साथ मारपीट की है। इसके साथ ही टीआई ने शिकायत वापस लेने के लिए दबाव भी बनाया। ऐसे संगीन आरोप पुलिस पर लगे हैं। इसकी शिकायत न्यायपीठ बाल कल्याण समिति के सदस्यों ने कलेक्टर से की है और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग भी की गई है। शिकायत पर कलेक्टर ने अपर कलेक्टर को जांच अधिकारी बनाते हुए आगे की कार्रवाई के दिशा निर्देश दिए गए हैं। बताया जा रहा है कि नाबालिग अपने घर से 28 अगस्त को गायब हुई थी, जिसकी शिकायत परिजनों ने कोतवाली थाने में की, जिस पर पुलिस ने गुमशुदगी का मामला दर्ज भी कर लिया और 2 दिन बाद लड़की वापस मिली, जिसके बाद परिजन अपनी लड़की को लेकर थाने FIR कराने पहुंचे। जिस पर पीड़ित परिवार ने शिकायती आवेदन में उल्लेख किया कि लड़की का अपहरण किया गया था, लेकिन पीड़िता की शिकायत पर थाने में अपहरण का मामला दर्ज नहीं किया गया, जिस पर पीड़ित परिवार ने आपत्ति जताई। उसके बाद महिला पुलिसकर्मियों ने नाबालिग को 2 दिनों तक थाने में बिठाया और उसके साथ मारपीट की। इस पूरे मामले को लेकर कलेक्टर संदीप GR ने जांच के आदेश दिए हैं। तो वहीं अपर कलेक्टर का कहना है मामले में की जांच कर वैधानिक कार्रवाई होगी। आज इस संबंध में हमको एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है, जिसमें पीड़िता के साथ में मारपीट होना और इनकी सुनवाई न होने के संबंध में ज्ञापन प्राप्त हुआ है, जिसको हमने विधिवत कार्रवाई में लेके जांच के लिए भेजा गया है। इसमें अपराध पंजीकृत किया जा चुका है और ये जो आप मारपीट वाली बात बता रहे हैं, इसमें भविष्य अधिकारी को संज्ञान में लाकर इसमें जांच कराई जाएगी और जो दोषी होंगे उनकी कार्रवाई की जाएगी।